हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट बाबा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी मैन वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये जो मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे होने वाला है। तो इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे, कौन प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, किसको आप अवॉइड कर सकते हो, स्टैटिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हमको ये जो डेटा कलेक्शन करने में जो वक्त लगता है, मेहनत लगती है, उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट के बारे में। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का ये जो पिच है, इस पे फर्स्ट एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 140। थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहती है यहाँ पे, और विनिंग सेकंड को बेनिफिट मिलता है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज 100% दिखाया गया है कि सेकंड बैटिंग का चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। स्कोर काफ़ी कम होगा क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ पे आज स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वैसे भी वो बैटल चलता रहता है, तो दोनों ही टीम जीत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी ये मैच में। फैंटेसी रिव्यू के हिसाब से रिसेंट फॉर्म्स में दोनों बराबर है। एक मैच हारे हैं, 5 में से 4 मैच जीते हैं। आज का विन प्रेडिक्शन है 57% इंग्लैंड की तरफ जा रहा है क्योंकि उनका बेहतरीन फॉर्म है और अच्छी बैटिंग, अच्छे ऑलराउंडर्स और गेंदबाजी का पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। एवरेज फैंटेसी पॉइंट की बात करें तो 574 से 600 तक के पॉइंट ये मैच में आपको मिल सकेंगे, जिसमें बैटिंग के ओर से ज़्यादा स्कोर मिलने का चांस है। क्योंकि हालांकि ये पिच स्लो है, लेकिन जो दोनों के बल्लेबाज है वो देख के खेलने वाले लोग हैं, तो विकेट तो यहाँ पे निकलेगा, लेकिन एक ही बॉलर को ज़्यादा विकेट मिले ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो रहेगा, आपको बैटिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देखना पड़ेगा। और प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी टीम में करेगी, दोनों की टीम यही प्लेयर्स के साथ जाएगी। हेड टू हेड की बात करेंगे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 9 मैच जीती है, इंग्लैंड 6 मैच जीती है, और एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया था। और ये कुछ स्टैटिस्टिक की बात करें, जिसमें अच्छे बल्लेबाज इंग्लैंड के और खिलाफ में खेले जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो एरन फिंच 550 रन बनाए हैं, इंग्लैंड की ओर से जॉस बटलर 321 रन, और बेस्ट बॉलर में मिचेल जॉनसन फिलहाल जो है नहीं, आदिल रशीद खेल रहे हैं, 10 विकेट लिए हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और कल्टर नाइल ऑस्ट्रेलिया के जो 8 विकेट लिए हैं। तो ये आप स्टैटिस्टिक को अपने टीम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी को चूज़ करने में आपको हेड टू हेड बैटल में आपको काम आएगा। ये फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से कौन कितना पॉइंट्स दे सकेगा उसका रैंकिंग है। तो इसमें मार्क वुड पहले नंबर पे 124 पॉइंट पे, टी मिल्स 95, डेड वार्नर 99, रॉय 88। इसी तरह से आप स्टैटिस्टिक को और ये क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से दिया है, तो आप अपने टीम में इसको देख के थोड़ा कुछ आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये चीट शीट की बात करें तो पिछले 5 T20 में आदिल रशीद 355 पॉइंट, काफ़ी आज इम्पोर्टेंट प्लेयर है इसके। जॉस बटलर 277 पॉइंट दिए है, मोइन अली 244, जंपा 249, जेसन रॉय 255। और मस्ट पिक जो ड्रीम इलेवन में मेरी तरफ से जो रहेगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ, जेसन रॉय, जॉस बटलर, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल एंड डेविड वार्नर, ये मस्ट पिक प्लेयर है। आप इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप ग्रैंड लीग के लिए कुछ ड्रॉप करना चाहे तो आप ले सकते हैं। स्मॉल लीग के बारे में अगर बात करूँ तो इसको आपको मस्ट लेना ही होगा। और एक्सपर्ट एडवाइस में आपको बता दूँ, ये मैच के लिए तो मोइन अली कैप्टनशिप का बेहतरीन चॉइस रहेगा। आपको पंटर पिक मैंने पिछले बार बताया था आपको, अगर मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, जिसमें आपको पंटर पिक मैंने बताया था, निकोलस पूरन भी खेले थे और उसके साथ अपना, अरे कौन सा प्लेयर था वो,
वेस्ट इंडीज़ का, तो दोनों प्लेयर अच्छा किया था और ग्रांड लीग के प्लेयर आए थे, तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ ये टीम के बारे में अगर बात करूँ तो कॉम्बिनेशन रहेगा 1-3-4-3, 1 कीपर 3 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर 3 बॉलर। और इंग्लैंड एक्सपेक्टेड टू विन, ये मैच जीत सकता है इंग्लैंड। और ये पंटर पिक का मेरा जो भी स्टैटिस्टिक है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। और मेरी टीम की बात करूँ तो मेरे ये 9 खिलाड़ी है जो मेरी स्मॉल लीग में होने वाले, और टॉस के ऊपर शायद एक खिलाड़ी का कुछ चेंजेस हो गए, कौन बैटिंग करेगा कौन फील्डिंग करेगा उसके ऊपर। जॉस बटलर रहेंगे मेरी टीम में, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर, एरन फिंच अगर पहले बल्लेबाजी करती तो दोनों रहेंगे, और इंग्लैंड की ओर से डेविड मालन, ऑलराउंडर में मोइन अली, मिचेल मार्श, मैक्सवेल बहुत ज़रूरी है, मिचेल मार्श का परफॉर्मेंस अच्छा रहा इंग्लैंड के सामने। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा को मैं खिलाऊंगा, और टाइमल मिल्स ऑस्ट्रेलिया की ओर से। और पहले गेंदबाजी करने पे इंग्लैंड की ओर से आप एक बॉलर और ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पॉज करके सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो देख के आप इतना फ़ायदा ले रहे हो, एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद।